नमस्कार, कलश डायरीज में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने के हर बृहस्पतिवार को श्री महालक्ष्मी व्रत करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। पूजा की सामग्री है श्री महालक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक, श्री यंत्र, कलश और श्री फल, पांच प्रकार के फल और नैवेद्य के लिए कोई भी मिष्ठान, जैसे मैंने सूजी का हलवा बना दिया, गुड़ भी रखा है, दो पान और दो सुपारी, एक कलश में डालने के लिए और एक गणेश जी के लिए, देवी का फोटो या मुखौटा, गजरा, वेणी और कुछ फूल, धूप, तुलसी, नाथ, मंगलसूत्र और कुछ गहने, पांच प्रकार के पेड़ों के पत्ते लगते हैं, हमने लिए हैं वड़, आम, रुई, सीताफल और जामुन। ये दो ब्लाउज पीस है और इनमें लेस जोड़ दी गई है। पूजा का स्थापना स्थल करे स्वच्छ, उस पर रचाए रंगोली, उस पर आसन रखकर बिछाए लाल कपड़ा, रखे थोड़े चावल, उस पर सजाए जल से भरा कलश। अब आसन पर थोड़े से चावल रखे, इसके बाद एक पानी से भरा चांदी का या तांबे का कलश उस पर रखे, हल्दी कुमकुम लगाए। कलश के पानी में डाले धूप, हल्दी, कुमकुम, अक्षता, सुपारी और कुछ पैसे। कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का पाठ करें। दिन भर उपवास रखना चाहिए, रात को फिर देवी की पूजा करें, नैवेद्य रखें और फिर भोजन ग्रहण करें। व्रत कथा के उद्यापन के दिन आठ सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद वितरण करना चाहिए। उन्हें लक्ष्मी स्वरूप समझकर मुझे व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें नमस्कार करें।
कलश के आठों दिशा में पांच वृक्षों की डालियां रची, जैसे वड, आम, पीपल, अमरुद, रुई, जामुन आदि। कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। देवी को नथ पहनाए, मंगलसूत्र पहनाए और कुछ अलंकार से विभूषित करें। दो हेयर सप्लीमेंट यूज किए गए हैं। अब इस तरह से हमारी देवी तैयार हो गई है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक और श्री यंत्र रखें। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन नामों का उच्चारण करें और आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः, यह नाम उच्चारण करके चम्मच से पानी लेकर हाथ पर छोड़ें। देवी को स्नान कराने के लिए तुलसी के पत्तों से या दुर्वे से थोड़ा सा पानी होंठों पर छिड़कें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। हल्दी कुमकुम लगाएं, फूलों से सजाएं, धूप और दीप जलाएं, नैवेद्य दिखाएं। अब देवी के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करें, महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें और फिर कथा का पाठ करें। ओम श्रीं नमः, ॐ श्रीं नमः। इस मंत्र का पाठ करें। दूसरे दिन कलश का पानी तुलसी के गमले में डालें। धन्यवाद।